बुधवार रात पुलिस ने खजराना क्षेत्र में भाजपा नेता के घर दबिश देकर बड़ा सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने मौके से भाजपा नेता पिता पुत्र सहित 6 लोगों को करीब 12 लाख रुपए के साथ बड़ी मात्रा में सट्टा पर्ची के साथ पकड़ा है। वरिष्ठ अधिकारियों को आशंका थी कि ये खजराना पुलिस की मदद से संचालित हो रहा है, इसीलिए खजराना पुलिस को इस पूरी कार्यवाही से दूर रखा गया और परदेशी पूरा और AMIG पुलिस की एक विशेष टीम बनाकर खजराना में दबिश देकर पकड़ा। दरअसल मामला खजराना थाना क्षेत्र के स्टार चौराहे के पास अशरफी कॉलोनी का है। वरिष्ठ अधिकारियों को बड़े पैमाने पर सट्टा संचालित होने की सूचना मिली है, जिसके बाद परदेशी पुरा और MIG पुलिस की विशेष टीम बनाकर दबिश दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों का आशंका थी कि ये सट्टा खजराना पुलिस की मदद से चल रहा है, इसीलिए खजराना पुलिस को इस पूरी कार्यवाही से दूर रखा गया। पुलिस ने जब खजराना थाना क्षेत्र की अशरफी कॉलोनी में भाजपा नेता सलीम मंसूरी और उसके बेटे आलम मंसूरी के घर दबिश दी, तो यहां से पिता पुत्र के अलावा रईस खान, इरफान पटेल, यूसुफ खान और मुनव्वर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 11,77,000 नगद, 8 मोबाइल, 9 बंडल सट्टा पर्ची जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ सट्टा एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अब आरोपियों के कॉल डिटेल चेक कर इसमें खजराना पुलिस की भूमिका की थी जांच कर रहे हैं। साहब ने कुछ मुखबर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कोई यहां पर बड़े पैमाने पर सट्टा खिलाता है, तो DCP साहब ने मुझे दिशा निर्देश दिए कि एक टीम बनाइए, तो उन्हीं के दिशा निर्देश में मैंने थाना MIG और परदेशीपुरा की 15 से 16 लोगों की, जिसमें महिला बल भी था और फोटोग्राफर वगैरह सब थे, 2 उनकी टीम भी थी हमारी, और सब ने मिलकर यहाँ पर स्टार चौराहे के पास आगे खजराना में एक सर्च वारंट लेते हुए एक मकान को सर्च किया और उस मकान के मालिक थे सलीम मंसूरी और आलम मंसूरी। उन दोनों पर जब हमने दबिश दी तो उसमें 11,75,500 रुपये हमने जब्त किए और 6 मोबाइल हमने जब्त किए हैं, कुछ 7 से 8 ATM और क्रेडिट कार्ड हमने जब्त किए हैं और उसमें 4 आरोपी अन्य हैं, जो 2 आरोपी